Studio presents Mentally. विश्व भगवान करुणानिधान के चरण कमलों की वंदना में प्रवेश करते हुए हम सभी एक निष्ठ होकर के श्रद्धा बनत होकर के भक्ति भाव में महाराज प्रवेश करते हुए हम सभी आगे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व आइए दो शब्द में भगवान के चरण कमलों की वंदना में प रवेश करते हुए अग्र श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी महाराज प्रवेश करेंगे। दरबार में राधे मैया के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के महारानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, 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 दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए जी भक्त यहाँ, दुनिया के सताए भक्त यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के, दरबार में मोरी महारानी के, दरबार में मोरी महारानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दर्द मिटाए जाते हैं। वह पिया शरण में रहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं वह पिया शरण में रहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं, वह पिया शरण में रहते हैं, वे राम शरण में रहते हैं, वो पिया शरण में रहते हैं, वे राम शरण में रहते हैं। लेकिन करते हैं
कृपा प्रसभान सुता करती है कृपा प्रसभान सुता करती है कृपा प्रसभान सुता करती है कृपा प्रसभान सुता वह महल बुलाए जाते हैं बार मेरा के रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं संसार सही है रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को संसार सही है रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को संसार सही है रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को संसार सही है रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को लेकिन भरे भरे के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के भरे भरे के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिवाए जाते हैं हर बार राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं उधर बार राधे मैया के दरबार में राधे रानी के दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे रानी दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे रानी दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दर्द आए जाते हैं भगवान की इन्हीं महाराज त्रसंगु के बेटा हुए हैं परीक्षित जी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के सामने एक समस्या उनके बेटा नहीं हुए तो महाराज बरुड़ी का यज्ञ किया गया। ये हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की दुश्मनाई कहां से पड़ी? किसी के पास अगर देवी भागवत हो, हालांकि ये श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा में महाराज हरिश्चंद्र की कथा नहीं है, ये पुराण रखा है, ध्यान रखना। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा में हरिश्चंद्र के चरित्र की कथा नहीं है, ये तो देवी भागवत की कथा है साहब। देवी भागवत का 9 दिन के लिए अनुष्ठान अलग से होता है, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया है। परीक्षा जी, अगर हम आपके यहाँ हरिश्चंद्र का चरित्र नहीं कहेंगे तो लोग कीचड़ उठाएंगे, बोले बढ़िया कथा, जब वो हरिश्चंद्र की कथा नहीं कह के गई है। इसलिए मेरी मर्यादा है, ये हरिश्चंद्र श्रीमद् भागवत का विषय नहीं है साहब। हाँ, केवल श्रीमद् भागवत की कथा में रोहिदास के जन्म तक कथा है, आगे है ये बिकने गए, ये सब देवी भागवत की कथा है। किसी के पास हो तो अपना अध्ययन करके देख लेना। सुनिए भागवत श्रोता बंधु जनों, अब क्या हुआ? अब ये हुआ, इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी से कहा गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम बरुड़ जी का यज्ञ करो, और बरुड़ जी का यज्ञ किया गया। और जब बरुड़ जी का यज्ञ किया गया मेरे भागवत श्रोता बंधु जनों, तब बरुड़ जी प्रकट हो गए, बोले बस तुम हमसे वरदान मांगो। जी, हम तुमसे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, एक बेटा मेरे हो जाता, भले ही बेटा हो करके खत्म हो जाता, परवाह नहीं थी, लेकिन हो जाता। बरुड़ जी बोले बेटा तो हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उस बच्चे के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन बेटा हो जाए, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। विद्वान ब्राह्मण ने इस बच्चे का नाम रखा रोहिदास।
अब बेटा पैदा हुआ तो वरुण जी आ गए यज्ञ करो। हरिश्चंद बोले ये तो बात ठीक नहीं है, अभी तो बेटा भला सा हो नहीं पाया, तुम आ गए, थोड़े दिन तसल्ली करो, दोबारा आना। ठीक है, चार दिन के बाद फिर आ गए। हरिश्चंद बोले महाराज अभी तो मेरा बेटा थोड़ा, तुम तो जल्दी आ गए, सूतक में ही है, जब ये 27-28 दिन बाद सूतक ब्रह्म हो जाएगा उसके बाद तुम आ जाना, फिर आ गए। हरिश्चंद बोले महाराज ये जालाला के जो दांत निकल जाएंगे, दूसरे दांत निकलेंगे तब हम यज्ञ कर देंगे। कहबे को मतलब है परीक्षित जी, हरिश्चंद ने वरुण जी का यज्ञ नहीं किया और उस बच्चे ने जाना तो घोड़ा की सवारी करी, जंगल के लिए प्रस्थान कर गया। है किसी को निमंत्रण दे दो आपके यहाँ खाने के लिए आ जाए, फिर भाई बगैर भोजन करे जहां से विदा कर दे, गुस्सा ना आए। वरुण जी ने क्रोध किया और वरुण जी महाराज जी ने हरिश्चंद के पेट में जलोधर नाम का रोग पैदा कर दिया। ये बड़ा घातक रोग होता है महाराज, रोहिता साने के लिए उद्दत होते देवताओं का राजा इंद्र उन्हें वापस कर देता है, जीते रहो आनंद करो, वापस कर देता है। एक नहीं दो नहीं चार बार वापस किया। तो महाराज रोहितास ने जब ये जानी मेरे पिता के अंदर ये घातक रोग है, तो उन्होंने जाकर के महाराज अजागर्त के बीच वाले पुत्र को मोल खरीद लिया। परीक्षित जी जिस बच्चे का नाम है सुखसेन और उस यज्ञ में होता का काम कर रहे हैं विश्वामित्र जी, ध्यान रखना। अब वह आ गए, उस बच्चे के द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं, वरुण जी भी प्रकट हो गए और वो बालक महाराज हरिश्चंद के हाथों से छुटा और विश्वामित्र की गोद में जाके गिर गया। वरुण जी भी प्रसन्न हो गए। अब प्रश्न ये उठा, ये बालक किसे दिया जाए, ये बालक जो है दिया किसे जाए? तो मेरे भागवत श्रोता बंधु जनो, उन्होंने कहा इस बालक को अजागर्त को वापस कर दो। बोले नहीं, उन्होंने तो इस बच्चे की दौलत ले ली है, मोल खरीद दिया है। बोले तो इस बच्चे को हरिश्चंद को दे दो। बोले नहीं नहीं, इन्होंने तो बलि देना चाहा है, तो उस बच्चे को महाराज विश्वामित्र जी को ही दे दिया गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और उसी दिन से विश्वामित्र जी ने यह बात की ठान ली है, हरिश्चंद मैंने तुझे कौड़ी कौड़ी का ना कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। यही दुश्मनाई है हरिश्चंद और विश्वामित्र जी की महाराज। इधर ये है देवी श्रीमद् भागवत का, यहां तक कथा इतनी है। अब यहां से हम देवी भागवत पुराण की ये कथा आगे लेकर के चल रहे हैं, नहीं तो टीका टिप्पणी कर दे महाराज ये कथा कहां से बोल रहे हो। मैं देवी भागवत की, क्योंकि भागवत की कथा में हरिश्चंद चरित्र इतना ही है। प्यारे भाई बहनों, एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई है, उसमें दोनों संत उपस्थित है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। जी जब कोई अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने क्षेत्र में जब कोई बढ़ता है तो उस पर नाज होता है। वशिष्ठ जी के शिष्य हैं हरिश्चंद, वो हरिश्चंद बड़े धर्मात्मा हैं, और विश्वामित्र जी और हरिश्चंद में बहस पड़ गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम बढ़ाई उतने समय से कर रहे हो, किसकी बढ़ाई कर रहे हो? बोले मृत लोक में हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्राणों की बाजी दे सकते हैं लेकिन धर्म से विमुख नहीं होंगे। बोले एक आध का नाम बता सकते हो? बोले पहला नाम तो हरिश्चंद का ही है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से एक बात कही, मेरी बात सुनो। सत होता है प्रति होता है, पर सीमा सब की होती है। संता भी पढ़ी के बहती है,
तुम्हारे अपने घर की बातें हैं कि ना, जब तक सोने को कसौटी में नहीं कसा जाए तब तक ही अंदाजा कैसे लग सकता है। वशिष्ठ जी कहने लगे विश्वामित्र जी से चाहते क्या हो, बोले हम उनका परीक्षण करेंगे बेसब बेसब। उसी समय विश्वामित्र जी ने सूकर का रूप बनाया और वह महाराज हरिश्चंद्र की पुष्प वाटिका में पहुंच गए और पुष्प वाटिका को महाराज उजाड़ना शुरू कर दिया। माली ने कोशिश की बचाने की, परीक्षित यज्ञपति जी लेकिन माली को भी घायल बना दिया। माली भागा, त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम, क्या हुआ? दरबार में पहुंचा हरिश्चंद्र, बोले भैया क्या हुआ? बोले महाराज हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब हम तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकते। बजे अरे भैया ये तेरी दशा किसने की है? एक सूकर आ गया है पुष्प वाटिका में, सारी बगिया को उजाड़ दिया है और मेरी ये स्थिति बना दी है। अरे और चलने के लिए उद्यत हुए, शाम का वक्त है, दिमाग में झटका लगा, बोले गलत करने जा रहे हो तुम। क्यों? बोले सुनो, अरे शाम होने के बाद और दुख काहू करे मत दीजो, तो खताऊ को मत दीजो और तो समय आ जाए घर बैठना ताऊ को दीजो, भैया तो समय आ जाए घर बैठना कर को मारे को, अरे चिंता नहीं करो तलाशू कर को मारे को। भागवश्रोता बंधुजनों, दिमाग में झटका लगा, बोले शाम का वक्त है साहब, शास्त्र में ऐसा वर्णन है शाम को अगर अपना दुश्मन भी आ जाए तो अस्त्र देना चाहिए, है ना? तो रात्रि गुजरी, प्रातः काल हुआ, हरिश्चंद्र ने घोड़ा की सवारी करी, पुष्प वाटिका में पहुंचे और ऐलान कर दिया अगर किसी के पास से यह सूकर निकल गया नतीजा होगा मृत्यु दंड। विश्वामित्र ने विचार किया, हम काय को काऊ के पास से निकलेंगे, हम तो तेरे जोरे से नहीं निकलेंगे। उछाल को भरा और हरिश्चंद्र देखते रह गए, महाराज आगे के लिए सूकर प्रस्थान कर गया। पीछे से हरिश्चंद्र ने भी घोड़ा दौड़ा दिया, एक जंगल में पहुंचे और जैसे ही हरिश्चंद्र की नजर से विश्वामित्र ओट हुए और सोई महाराज तुरंत ही वो सूकर से महात्मा जी बन गए, बैठ गए, हाथ में माला है, उस जंगल में बाकी कोई नहीं है। और हाथ में जब माला है तो माला का जाप चल रहा है, हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी बोले क्या है? बोले इधर से तुमने सूकर को तो जाते हुए नहीं देखा। विश्वामित्र जी बोले क्या करोगे सूकर का? बोले हम उसे मृत्यु दंड देंगे। क्यों क्यों? क्योंकि उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया। अच्छा इसलिए तुम उसे मृत्यु दंड दोगे? जी महाराज। अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ बैठो। हरिश्चंद्र को बैठा लिया। एक बात बताओ महाराज, तुमने जीवन कितने को दिया? हरिश्चंद्र बोले क्या मतलब? बोले हमें ये बताओ तुमने जीवन कितने को दिया? बोले महाराज वो तो नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? हरिश्चंद्र बोले गलती हो गई गलती हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। विश्वामित्र जी बोले ओहो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधपति हरिश्चंद्र,
जी गुरु जी, जी महाराज। अच्छा हम तुम्हारे ही यहाँ आ रहे थे, क्यों क्योंकि मेरी बात सुनो। अरे मेरे घर में बिटिया है कबारी, से बिटिया की करे देने में सगाई। मेरे घर में मेरी एक बेटी विवाह योग्य है और हम तो ठहरे संत महात्मा, सो मेरे पास धन नहीं है, इतनी दौलत नहीं है ताकि बेटी के पीले हाथ कर दें। बाप रे, हरिश्चंद कहने लगे माफ करें भगवान, ये सेवक है ना, सेवा में तत्पर है और प्रजा तो हमारी मेरे लिए तो सब एक है, तुम जितना चाहो उतना हम तुम्हें दे देंगे, हमारे यहाँ चलो। विश्वामित्र जी कहने लगे हम तो बड़े बूढ़े वृद्ध महात्मा हैं, चलने के लायक कहाँ हैं, जो भी है तुम्हें यही दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे ऋषिवर तुम्हें नमामे, मेरे पास बस यही है कुंजी और लगा। अगर इससे काम चल जाए तो महाराज ठीक है, संकलन कर दिया कुंजी लगाम का। अब दक्षिणा, दक्षिणा दक्षिणा में क्या चाहिए, दक्षिणा में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल 60 भार सोना चाहिए। कितना? 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद बोले 60 भार सोने की बात है महाराज, चलो ना हम घर से तुम्हें 60 भार सोना भी देंगे। विश्वामित्र जी चलने लगे। परीक्षित जी आप विचार करोगे महाराज 60 भार सोना का आज का मतलब कितना होता है, आज 60 भार सोना को कितने को कहते हैं। देखिए साहब ऐसा ही वर्णन देवी भागवत में ही लिखा है, गुंजा ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका भी वजन है, गुंजा तुला पल करस धरड़ ऐसा है, मतलब 20 तोले बराबर एक भार ऐसा लिखा है उसमें, 20 तोले बराबर एक भार। अब अंदाजा लगा लेना या वो अपना अध्ययन करियो। तो महाराज कहे प्यार से जय श्री, आप लोग सब ना बोलते मन से जय श्री। अच्छा वे लोग जरूर बोले जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं और पवित्र बाणी दी है, अब जिन लोगों के हाथ बाणी नहीं उनकी तो मजबूरी है साहब, वो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं तो इशारा तो भगवान के तरफ कर सकते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा अब तो सब बोल गए, अब पहले ही बोल दिया करो तो इतना टाइम काहे को महाराज नष्ट हो जाते। तो सुनो ना महाराज, हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी पहुंच गए तो आसन दिया प्रेमानंद के साथ में, और खजांची को बुला करके कहा 60 भार सोना दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे 60 भार सोना दे दो, तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज कहां से दोगे, ये कुंजी और ये लगाम है ना, ये सब तुमने हमें दे दिए हैं, और जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ता था वो राज्य तो सब हमारा है, और ये कोसाओं का ये सब खार भार इस चाबी पर निर्भर है। महाराज 60 भार सोना हमें तुम कहां से दो, कहां से, तीनों लोगों से बाहर कोई जगह हो। हरिश्चंद कहने लगे तो की कोई बात तो नहीं रही महाराज,
अगर आज का कोई स्वार्थी जीव होता महात्मा जी से कहा था तुम्हें हमने कुंजी लगान का संकल्प किया ना कि खजाने का, लेकिन वहरे हरिश्चंद्र महाराज विपत्ति किसे कहते ध्यान रखना। हरिश्चंद्र लड़खड़ाते हुए हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरे घर में एक मेरी पत्नी है, मेरा छोटा सा बेटा है, हम उनकी सलाह ले लें। जी बिल्कुल जाओ। और महाराज हरिश्चंद्र धीरे धीरे नहलों के लिए प्रस्थान करते हैं। दूर से देखा तारावती ने मेरे महाराज आ रहे हैं। तो ये पतिव्रताओं का धर्म होता है माताओं, जब पति या घर का कोई सदस्य बाहर से आए तो उससे प्रश्नबाजी मत करो, सबसे पहले उसे जल ला करके पिला दो, सबसे पहले ये दायित्व होता है। पर यही किया रानी ने, आते हुए दूर से देखा तो हुआ क्या, पंख को भी जना पति पे प्यार लगा दो। महाराज बात बताओ बात क्या है, जब तुम कभी आते थे महलों के लिए तो बड़े प्रसन्न चेहरा आता था, लेकिन आज इतने मलिन काय को हो महाराज। किस कारण से प्रीतम प्यारे ओ तन की गई पे रोहानी है, काशी पूछे बतलाओ और चेहरा को डर की रो पानी है। तो महारानी बोली आखिर वजह क्या है, हरिश्चंद्र बोले भद्रे हम तो लुट गए। क्या कह रहे हो महाराज? नहीं भद्रे मैं सत्य कह रहा हूं, लुट गया। वजह बोले एक महात्मा जी दरवाजे पे आ गए, छल से हमारा सब कुछ वचनबद्ध, हम तो वचन में हार गए। तारावती बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें एक बात बताओ, जब इस दुनिया में माँ के उधर से आए थे क्या कुछ लेके आए थे? हरिश्चंद्र बोले हाँ, क्या लेके जाओगे? नहीं तो यही मिला और यही रह जाएगा, तो इसमें विपत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना महाराज है।
लेकिन फिर भी कितना भी बड़ा बैरागी हो साहब, इस माया के दायरे में जो भी है महाराज, कितना भी हो लेकिन फिर भी लगती तो है ही है। तो तारावती कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, रोहितास आ गया, हमको बेच दो महात्मा जी के कर्जा से उरड़ हो जाओगे, है ना। लेकिन नहीं, तारावती ने बेटा को हृदय से लगा लिया। लाला कौन ने पूतने माँ बाप होंगे, अपनी संतान को बेचेंगे क्या। आज तीनों प्राणी चले हैं महात्मा विश्वामित्र जी के पास में, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और आज का कोई व्यक्ति पीछे जी होता और कोई महात्मा जी प्रश्न रख भी देते, टो कितनी बढ़िया बात होती, अंडा रखा कितना आनंद आता, महाराज बात बिगड़ जाती। और तीनों प्राणी हाथ जोड़े विश्वामित्र जी से, जी सुनो क्या है, हम तीनों को बैंक दो, आप अपने कर्जा से उड़ कर दो। अरे तुम्हें कौन खरीदेगा, तीनों लोगों में कोई नहीं खरीदेगा तुम्हें। तो तारावती ने हाथ जोड़े बोले, महाराज तीनों लोगों से एक जगह बाहर है। कौन सी जगह बाहर है, मुझे नहीं मालूम। बोले एक जगह है बाहर। बोले कौन सी जगह, बोले सुनो। भोले बाबा ने काशी नगरिया त्रिशूल ऊपर बसाई, विद्वानों ने बताई। महाराज जब मैया कान लगी समझाए, फिर सुनो हमारी बात स्वामी, ना जाने में डर गए ने कहा, महाराज तीनों लोगों से जगह बाहर है, काशी नगरिया भोले बाबा ने त्रिशूल के ऊपर बसाई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तीनों को वहीं चल के बेच दो। विश्वामित्र जी बोले, ने राजसी वस्त्रों में भला कौन खरीदेगा। वो वस्त्र उतरवा दिए, योग्या बहाना धारण करवा दिए हैं। आज तीनों प्राणी महाराज काशी के लिए कैसे प्रस्थान कर रहे हैं, है? किस तरीके से प्रस्थान कर रहे हैं और अवध नगर को प्रणाम कर रहे हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है साहब, जब व्यक्ति अपने घर से किसी अमुख जगह पर जाए तो अपने महल की चौखट के पैर छू करके जाए, रास्ता में आने वाली एक विपत्ति मेरे प्यारे भाई बहनों टल जाएगी। ये इतनी भूमिका को निभाता है। आज अवध नगरिया को तीनों प्राणी कैसे प्रणाम कर रहे हैं और चलने के लिए उद्यत हैं। प्रणाम बना हो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम सुख पाओ महाराज, अब प्रणाम करो राजधानी सुख पाओ महारानी।
माँ तुझसे मैं आज जुदा हो रहा हूँ। और तीनों प्राणियों ने काशी अवध नगरिया को प्रणाम किया, काशी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। विपत्ति परिचय जी इसे कहते हैं। एक मिनट में जो भी धन धाम जो भी था सब चौपट हो गया। आज तीनों प्राणी चल दिए हैं महाराज। प्राणी चले हैं महाराज। आज काशी नगर के लिए अवध भूमि को प्रणाम करने के बाद में अरे मेरे प्यारे भाव श्रोता बंधु इन्हों विपत्ति इसे कहते हैं साहब है। तीनों प्राणी आज चले हैं योगी आए वस्त्रों में। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधपति हरिश्चंद वचनबद्ध है लेकिन धर्म से विमुख नहीं हो रहा है। आज चले हैं साहब, चले जा रहे हैं। प्यारे भाई लोगों, धीरे 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 तीनों प्राणी विश्वामित्र जी के साथ में आगे के लिए प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। वह है महाराज समय इतना विचित्र, चैत वैसाख का महीना है साहब, धूल इतनी तची हुई है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भैया धीरे 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 प्रस्थान करते हुए चले जा रहे हैं। तारावती ने जवाब दिया, भगवान अभी काशी कितनी दूर और है, चले आओ, चले आओ। तो रोहितास के मुख के तरफ देखा, चेहरा या मुरझाया हुआ है। तारावती बोली, भगवान केवल मुझे एक बात बता दो ना। और रो करके कहने लगी, सुनो चलत चलत हमारी। अरे तेरी कितनी दूरी बाबा चलत चलत
चलत हम।